हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में रोलर ओलंपियाड खेलों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से ये ओलंपिक फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ ने लिया है। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस खेल महाकुंभ में करीब 20,000 पुरुष और 20,000 महिला अंडर 28 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों को करवाया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा नशों से दूर रहकर खेलों के प्रति आकर्षित हो। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति को तैयार करने के लिए प्रदेश में जितने भी खेल संघ हैं इस बारे में उनका सुझाव लिया जाएगा। जितने हमारी एसोसिएशंस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, अलग अलग जो संघ है, खेल संघ है, उनके अध्यक्षों के साथ जो है वो बैठक करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द उन सबके साथ बैठक की जाएगी। उनके सुझाव इसमें लिए जाएंगे, क्या क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से हम अपनी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आए, उनके सुझावों को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी और उसके बाद फिर उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी उसकी रूपरेखा बन रही है। 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके साथ अपने विभाग के साथ बैठक करी है और उसमें हमने उसका एक पूरा शेड्यूल जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने का बनाया है, जिसमें करीबन अभी तक जो प्रपोज्ड है करीबन 40,000 युवाओं के पार्टिसिपेट करने का उसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें करीबन 20,000 पुरुष और 20,000 जो है वो महिलाएं लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। और अभी इसको हमने अंडर 28 जो है वो प्रपोज किया है, जिसमें क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे जितने रूरल गेम्स है, आपके एथलेटिक्स है, आपके कबड्डी है, खो खो है और बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है और ऐसी गेम्स जो है उनको हम इसमें पूरी तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने इसका नाम दिया है कि हम इसको एक रूरल ओलंपियाड के नाम से इसको प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में प्रदेश के जो हमारे युवा है वो पूरी तरीके से नशा मुक्त रहें और प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और उनको जो है फिजिकली और मेंटली फिट, और खास करके जो कोरोना के समय में जो एक मानसिक उत्पीड़न से हमारे प्रदेश के युवा गुजरे हैं, उससे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।